हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो रात बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A03s वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी F22। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका कैमरा टेस्ट करने वाले, कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख रहे, और आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A03s और सैमसंग गैलेक्सी F22। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F22 की। तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A03s की। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F22 के फ्रंट साइड की। तो यहाँ पे आपको एक इन्फिनिटी वी कट के साथ एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A03s की। तो यहाँ पे भी आपको इन्फिनिटी वी कट के साथ एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लगा हुआ है 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। तो फ्रेंड्स, जैसे इस दोनों फ़ोन का आप कैमरा ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, मैंने इसी दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए। तो फ्रेंड्स, इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यानी कि इन दोनों फ़ोन में से आप किसी के फ़ोन के अंदर ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो आपको इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अभी तो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी सैमसंग गैलेक्सी F22 और सैमसंग गैलेक्सी A03s क्लिक किए हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप सैमसंग गैलेक्सी A03s खरीदो सैमसंग गैलेक्सी F22 को छोड़ के। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी F22। मेरी राय यही रहेगी कि आप सैमसंग गैलेक्सी F22 लो, मुझे पर्सनली उसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।